गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ के हिंदी सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर सावित्री के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सावित्री के पिता ने उसे क्या कहा? तो इसका उत्तर है, सावित्री के पिता ने उसे अपने लिए वर ढूंढने के लिए कहा। तो अगला प्रश्न है, सत्यवान कौन था? तो सत्यवान शाल देश के राजा द्युम्नसेन का पुत्र सत्यवान था। तीसरा प्रश्न है, सत्यवान के बारे में सावित्री के पिता को क्या बात मालूम चली? तो इसका उत्तर है, सत्यवान के बारे में पता चला कि सत्यवान की उम्र बहुत ही कम है, वह एक साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, सत्यवान के प्राण कौन लेने कौन आया? तो इसका उत्तर है, सत्यवान के प्राण लेने मृत्यु के देवता यमराज आया। अगला प्रश्न है, सावित्री ने यमराज से अंतिम वरदान क्या मांगा? तो इसका उत्तर है, सावित्री ने कहा, भगवान अपने पिता और ससुर दोनों के राज्यों की उत्तराधिकारिणी मैं ही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मेरे बाद इन दोनों राज्यों का कोई राजा नहीं होगा। मेरे पिता और ससुर के वंश कैसे चलेंगे? मेरी मृत्यु के बाद दोनों घरों में दिया जलाने वाला कोई न होगा। थैंक यू।